दोस्तों पीसीबी ने आईसीसी से की भारत की शिकायत, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर नहीं अपने ही बोर्ड की लगा दी क्लास। जी हां दोस्तों पीसीबी ने आईसीसी से भारत की शिकायत की है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान उनके खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, फैंस ने उनके खिलाड़ियों को काफी परेशान किया। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अपने ही बोर्ड की बगावत कर दी है। जी हां दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आईसीसी को इस बात की शिकायत की कि भारत ने उनके पत्रकारों को वर्ल्ड कप 2023 के लिए वीजा नहीं दिया या फिर वीजा देने में देरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पीसीबी ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में उनकी टीम के खिलाड़ियों के साथ सही व्यवहार नहीं हुआ। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच पाकिस्तान के ही एक पूर्व खिलाड़ी ने दानिश कनेरिया पीसीबी के क्लास लगा दी और बोर्ड से तीखे सवाल पूछे हैं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने पीसीबी के एक्स पोस्ट को रिप्लाई करते हुए लिखा, पाकिस्तान पत्रकार जैनब अब्बास से भारत और हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करने को किसने कहा। दूसरा लिखा, मिकी आर्थर ने आईसीसी इवेंट को बीसीसीआई इवेंट कहने के लिए किसने कहा था। तीसरा उसने कहा कि रिजवान को खेल के दौरान में नमाज पढ़ने के लिए किसने कहा था। उसने आगे कहा कि दूसरों में दोष मत ढूंढो, कनेरिया पहले भी पाकिस्तान टीम से जुड़े कई विवादों पर अपनी राय दे चुके हैं। दोस्तों क्या आप दानिश कनेरिया के बात से सहमत हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना।